So summers are here and everyone want that perfect summer look. उन्हें पतला होना है, उन्हें shape में आना है, अपनी favorite dress के अंदर जाना है. But ऐसी बहुत सी गलतियाँ हम लोग करते हैं जिससे हमारा weight बढ़ता है या फिर हमारा weight stuck हो जाता है. So in this video I'll talk about all these mistakes कि हमें उन्हें कैसे correct करना है और हमें कैसे अपना weight loss maximize करना है in the summer. हम स्टार्ट करते हैं मिस्टेक से. सो सबसे बड़ी मिस्टेक जो लोग गर्मियों के अंदर करते हैं, दैट इज नॉट हैविंग इनफ प्रोटीन. हमें ये लगता है गर्मियों का टाइम है तो हमें अंडे नहीं खाने चाहिए, चिकन नहीं खाने चाहिए या कोई भी ऐसी चीज, हाई प्रोटीन चीज हमें गर्मी कर देती है. बट प्रोटीन इज मस्ट, नहीं तो क्या होगा, यूल एंड अप, आपको बहुत जल्दी भूख लग जाएगी, यूल एंड अप ईटिंग बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली, बिकॉज प्रोटीन बॉडी की रिक्वायरमेंट तो होती ही है बट आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा सटाइटी. सो पॉइंट नंबर टू इज ड्रिंकिंग योर कैलोरीज. अगर आप बहुत ज़्यादा जूसेस पीते हो, कोल्ड ड्रिंक पीते हो, ऑल दीज थिंग्स आर लोडेड विद शुगर. इतनी ज़्यादा शुगर होती है कि आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा कैलोरीज जाएगी बट जो आपको फ्रूट से फाइबर मिलना था वो नहीं जाएगा, जिससे आपके वेट गेन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं. गर्मियों में हमें लगता है कि कुछ ठंडा हो, रिफ्रेशिंग हो, बट मार्केट में मिलने वाली 90% चीज़ें आर फुल ऑफ शुगर एंड एब्सोल्युटली नॉट हेल्दी, चाहे उसके ऊपर रियल लिखा हो, 100% लिखा हो, फिर भी नहीं. मिस्टेक नंबर 3 इज नॉट हैविंग इनफ सीजनल थिंग्स. जैसे ही ग्लोबलाइजेशन बढ़ी, एक कल्चर आ गया कि हमें सुपर फूड्स की तरफ जाना है, हम अपने नेचुरल फ्रूट्स, चाहे वो वाटरमेलन है, मेलन्स हैं, मैंगोज हैं, हम उन्हें खाना भूल गए हैं. तो हमें क्या करना है, हमें वापस से सीजनल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हमें खाने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करने हैं ड्यूरिंग दिस समर टू मैक्सिमाइज आवर वेट लॉस. पॉइंट नंबर 4 इज हैविंग टू मच कैफीन. सो कैफीन क्या करती है, चाहे वो चाय की फॉर्म में है, चाहे वो कॉफ़ी के फॉर्म में है, चाहे वो हॉट कॉफ़ी है, चाहे वो कोल्ड कॉफ़ी है, कैफीन आपकी बॉडी को अंदर से डिहाइड्रेट. गर्मियों के अंदर वैसे ही आपकी बॉडी से बहुत ज़्यादा स्वेट निकल रहा है, स्वेट के साथ ही आपकी बॉडी से बहुत ज़्यादा सॉल्ट्स भी निकल जाते हैं. तो आपकी बॉडी को जो नरिशमेंट मिल रही होती है वो नहीं मिल पाती. सो और अगर आप बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीते रहोगे और आप पानी भी प्रॉपर नहीं पी रहे, आपकी बॉडी फर्दर डिहाइड्रेट होगी, आपको चक्कर आ सकते हैं, नौजिया फील हो सकता है. सो मेक श्योर यू आर नॉट एक्सीडिंग द कैफीन लिमिट. नेक्स्ट सबसे बड़ी मिस्टेक जो लोग करते हैं गर्मियों के अंदर, कि बहुत देर तक जागते हैं. सर्दियों में जैसे हमें नींद ज़्यादा आती है, गर्मियों के अंदर उल्टा होता है, हम बहुत ज़्यादा देर तक जागते रहते हैं, 2 बजे तक, 3 बजे तक, जिससे हमारी बॉडी के जो बायोलॉजिकल क्लॉक्स हैं वो बिल्कुल ही डिस्टर्ब हो जाते हैं. इफ़ यू आर नॉट टेकिंग प्रॉपर स्लीप, तो जो आपकी बॉडी के अंदर जो आपका हार्मोनल बैलेंस है वो डिस्टर्ब होने के चांसेस रहेंगे, आपको बहुत ज़्यादा हंगर क्रेविंग्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं. सो वर्क ऑन योर स्लीप फर्स्ट इफ़ यू वॉन्ट टू लूज वेट. नेक्स्ट बिगेस्ट मिस्टेक ड्यूरिंग समर इज ओवर कार्डियो. गर्मियों में हम सबको लगता है कि हमें अपना वेट लूज करना है, जिम स्टार्ट करते हैं, वर्कआउट स्टार्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा रनिंग कार्डियो स्टार्ट करते हैं, बट हमारी डाइट वैसी नहीं होती. और क्या होता है अगर आप एक्सेसिवली अपनी बॉडी का अब्यूज़ करोगे कार्डियो को स्पेशली, तो आपकी बॉडी के अंदर मसल परसेंटेज भी कम होगी. अगर आपकी बॉडी के अंदर मसल कम होगी, आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी नेचुरली बहुत नीचे जाएगा. एक इसके बाद सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं, दैट इज नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ एक्सपोजर टू सनलाइट. सो सनलाइट का एसोसिएशन विटामिन डी से है. आजकल हम सारे लोग सप्लीमेंट्स पे आ गए हैं विटामिन डी के, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रह जाता है, दैट इज योर बॉडीज बायोलॉजिकल क्लॉक. जैसे घड़ी होती है वैसे हमारी बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल क्लॉक्स होती हैं. से जो हमारी किडनीज हैं वो शाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होती है, हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है वो लंच के टाइम पे बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होता है और रात को आफ्टर सनसेट वो बहुत ज़्यादा लो हो जाता है. दैट्स वाई इन आयुर्वेदा वी यूज टू से कि हमें 7 बजे के बाद या सूरज ढलने के बाद खाना नहीं खाना चाहिए. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज गोइंग ऑन एक्सट्रीम डिटॉक्स डाइट्स. सो बहुत लोगों को ये लगता है कि समर तो हम स्लशेस बनाते हैं, स्मूदीज बनाते हैं एंड दे गो ऑन ऑल काइंड ऑफ क्रेजी सॉल्ट फ्री डाइट्स. तो पहले ही आपकी बॉडी के अंदर इतना ज़्यादा सॉल्ट लॉस होता है, ऊपर से अगर आप बिल्कुल ही सॉल्ट इंटेक नहीं लोगे और ऐसी डिटॉक्स साइट्स पे जाओगे तो आपका मेटाबॉलिज्म तो क्रश होगा ही होगा, बट आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसीज आ सकती हैं बिकॉज सॉल्ट्स आर रियली इंपॉर्टेंट इन सो मैनी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑफ योर बॉडी.
So now we'll move to some of the lifestyle changes that we need to maximize our weight loss. So start your day with lukewarm water. Maybe आप चाहे ब्रश भी मत कीजिए, पहले हैव दैट ग्लास ऑफ वाटर, बिकॉज जो सुबह वाला आपके मुंह के अंदर सलाइवा होता है आपकी बॉडी के लिए बहुत हेल्पफुल है. सो मेक श्योर आप अपना डे स्टार्ट करें विद वाटर. नेक्स्ट प्रो टिप इज डोंट लेट योर बॉडी गेट कन्फ्यूज बिटवीन थ्रस्ट एंड हंगर. कई बार क्या होता है, आपकी बॉडी आपको सिग्नल दे रही होती है कि पानी पी, तुझे प्यास लगी है, बट आप क्या करते हो, आप पानी नहीं पीते, आप कुछ खा लेते हो, आप एक्सेसिव बिंज ईट कर जाते हो, जबकि आपकी बॉडी की कॉल थी कि आप पानी पियो. सो ऑल दोज पीपल जिन्हें बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होती है, बिंज ईटिंग की आदत रहती है, मेक श्योर आप टाइमली अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें. यू विल डेफिनेटली सी अ इम्प्रूवमेंट इन योर बिंज ईटिंग हैबिट. ईट योर फ्रूट्स, डोंट ड्रिंक देम. गर्मियों का मतलब होता है कि हमें जूस पीने हैं, स्लशेस पीने हैं, बट क्या होता है अगर आप जूस की फॉर्म के अंदर आप उसे पीते हो, सारा फाइबर उससे आप निकाल देते हो, न्यूट्रिशन आप उसका निकाल देते हो. अगर मैं एप्पल खाता हूँ और एप्पल जूस पीता हूँ, दोनों का रिएक्शन मेरी बॉडी के अंदर बड़ा ही डिफरेंट होगा, बिकॉज जब मैं एप्पल खाऊंगा तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा फाइबर है तो इंसुलिन स्पाइक एकदम से नहीं होगा, वर्सेस अगर मैं जूस पीता हूँ एप्पल का तो एकदम से मेरी बॉडी के अंदर इंसुलिन का स्पाइक होगा, विच कैन लीड टू वेट गेन. सो आपको फ्रूट्स को खाना है, पीना नहीं है. लास्ट प्रो टिप, 30% ऑफ योर वाटर इनटेक हैज टू बी from fruits and vegetables. And this is a red flag for all those people जो fruits और vegetables नहीं खाते. It's not about just hydrating your body कि मुझे, मैंने water calculator से check किया, मुझे इतने glass पानी पीने हैं. 30% आपका पानी intake होना चाहिए in forms of fruit या फिर vegetable, चाहे आप घिया खाओ, चाहे आप watermelon खाओ, ऐसे सारे fruits और vegetables को अपनी diet के अंदर include करो to maximize your weight loss.